स्वागत है दोस्तों। तो इस वक्त मौसम से जुड़ी खबर सामने आई है। प्रदेश में कई जगह बारिश, फसल कटाई हफ्ते भर रोकने की सलाह, क्योंकि 18-19 को भी बारिश संभव। खेतों में पड़ी धान की फसल खराब। पिछले 24 घंटे के दौरान हुई बारिश से प्रदेश भर में मौसम बदल गया है। तेज हवा के साथ हो रही बारिश से दिन का तापमान गिर गया है। शनिवार को दिन भर हल्की ठंड भी महसूस हुई है। दिन में तापमान गिरा है, लेकिन नमी और बादलों की वजह से रात का पारा चढ़ा हुआ है। कृषि मौसम विशेषज्ञों ने इस बारिश को फसल के लिए नुकसानदेह करार दिया है, क्योंकि पूरे छत्तीसगढ़ में अभी धान की काफी फसल कटकर खेतों में पड़ी है। जो नहीं कटी, तेज हवा के साथ बारिश में उसकी बालियां भी खराब होने की आशंका है। इसलिए विशेषज्ञों ने किसानों को सलाह दी है कि एक हफ्ते के लिए कटाई रोक दें, क्योंकि बारिश 18-19 तक हो सकती है। सर्दी शुरू होने के बाद उत्तर पूर्वी मानसून से दक्षिण भारत में बारिश होती है। इसका कुछ असर छत्तीसगढ़ पर भी रहता है। आमतौर पर दिसंबर जनवरी में ऐसी स्थितियां बनती हैं। इस साल नवंबर में ही असर दिखने लगा है। यह थोड़ा लंबा स्पेल हो सकता है, क्योंकि 18-19 नवंबर तक प्रदेश में बदली बारिश की स्थितियां रहेंगी। शनिवार को प्रदेश रामानुजंगा में सबसे अधिक 30 मिलीमीटर बारिश हुई। उसूर में 10, अंबिकापुर पेंड्रा रोड में करीब 5 मिमी वर्षा हुई। अन्य कई जगहों पर हल्की वर्षा या बूंदाबांदी हुई। इससे दिन का तापमान 24 से 30 डिग्री के बीच पहुंच गया। सभी जगहों पर यह सामान्य से 2 से 4 डिग्री तक कम है। इसके विपरीत रात का तापमान बढ़ गया है। यह 14 से 22 डिग्री के बीच रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 3 से 7 डिग्री तक अधिक है।